हेलो फ्रेंड, इजी नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। देखिए, आज हम लोग एक डिले सर्किट बना के देखते हैं डिले सर्किट कैसे काम करता है, क्योंकि मार्केट में अभी डिले सर्किट के नाम पे बहुत सारा पैसा लूट रहा है कंपनी। सो हम लोग एक डिले सर्किट बना के यूज करके देखते हैं किस तरीके से वो काम करता है या नहीं करता है। पूरा सर्किट के बारे में समझते हैं फ्रेंड। देखिए, पहले मैं आप लोगों को सर्किट डायग्राम बता देता हूँ कैसे आपको सर्किट तैयार करना है। पहले एक्चुअली आपको करना है ये, इधर ये पॉजिटिव टर्मिनल सर्किट का और ये है ग्राउंड, मतलब इसमें एक सप्लाई आप लोगों को बाहर से जोड़ना है। और ये नंबर वन पिन ग्राउंड, नंबर एट और नंबर फोर प्लस सप्लाई होता है आईसी का, छः और सात एक साथ जोड़ के ये वन में प्रीसेट होके एक कैपेसिटर से होके ग्राउंड, और इधर एक 10K रेजिस्टेंस और एक माइक्रो स्विच जिसके बीच से एक लाइन नंबर टू में जाता है, और थर्ड नंबर पिन से PWM पल्स आउट होता है 1K रेजिस्टेंस से होके। ये जो एन चैनल का ट्रांजिस्टर है इसको बेस को कंट्रोल करता है। तो बेस ऑन होते ही क्या होता है, ये NPN ट्रांजिस्टर इसका इमिटर ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड एक्टिव होते ही एक कलेक्टर से ग्राउंड आउटपुट करके ये रिले को एक्टिव किया जाता है। सो देखिए, मैंने पहले से सर्किट डायग्राम बना के रखा हूँ। ये जो सर्किट है ये सेम सर्किट है इसी डायग्राम का, आप लोग भी ऐसे बना सकते हो। सो पहले क्या करता हूँ, एक इसमें रिले को जोड़ लेता हूँ फ्रेंड, कनेक्ट कर लिया हूँ। अभी क्या करता हूँ, इसके रिले में एक AC सप्लाई को मैं जोड़ देता हूँ, क्योंकि AC को काट ऑफ करके देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो करना क्या है, इसके कॉमन वाले टर्मिनल पे AC का जो कनेक्शन है उसको सीरीज से आउट करना है, और रिले का जो काट ऑफ टर्मिनल यही है, देखिए मैं जोड़ दिया हूँ। और एक काम क्या करना है, इस पर एक सप्लाई जोड़ना है 12 वोल्ट के अक्रॉस, देखिए 12 वोल्ट ये ग्राउंड वाला टर्मिनल है सब फ्रेंड, इसमें ग्राउंड जोड़ देते हैं, और ये सप्लाई पॉजिटिव सप्लाई, ये थोड़े मेरे को लूज कॉन्टैक्ट लगता है डिसोल्डरिंग का जो मामला है। और एक 555 IC को कनेक्ट कर देते हैं फ्रेंड, बेस पे लगा हुआ है, देखिए अभी कनेक्ट कर दिया हूँ 555 को। सो अभी क्या करते हैं, इसमें पावर कनेक्ट करके देखते हैं, और इसमें जो बल्ब है इसको हम लोग काट अप करेंगे। सो और एक काम करना है जो मैं भूल गया हूँ, ये सर्किट में जो 1 MΩ का प्रीसेट है ना, ये मेरे पास अभी नहीं है। सो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं पोटेंशियल मीटर 100K का, उसको हम लगा के देखते हैं। आप लोग सर्किट बनाने का टाइम इधर एक 1 MΩ कोई भी प्रीसेट, वेरिएबल प्रीसेट जिसको बोलते हैं, लगा सकते हो, तो भी उसको ज़्यादा टाइम आप लोग डिले कर सकते हो। देखिए अभी मैं एक 100K का जो पोटेंशियल मीटर है उसको जोड़ दिया। सो अभी पावर कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए अभी पावर में कनेक्ट कर दिया हूँ, अभी ऑफ कंडीशन पे है। आप लोगों को पता है डिले किस तरीके से काम करता है। देखिए मल्टीमीटर को देखिए, मैं इधर पावर एक्चुअली मैं कनेक्ट कर दिया हूँ, देख पा रहे हो 12 वोल्ट के अक्रॉस वोल्टेज सही तरीके से करें। देखिए 12 वोल्ट आ रहा है, मतलब सर्किट अभी एक्टिव कंडीशन पे है। अभी क्या करना है, इसका जो माइक्रो स्विच है, जो डिले स्विच है, उसको हम लोग ऑन करते हैं। देखिए अभी ये जो बल्ब है फिलामेंट वो तो ग्लो कर रहा है फ्रेंड, अभी थोड़ा इसका रोशनी को मैं हटा लेता हूँ। देखिए अभी ऑफ हो गया, ऑफ हो गया, फिर से ऑन कर देता हूँ। देखिए ये जो लाइट है एक्टिव हो गया फ्रेंड, अभी देख रहे हो कुछ टाइम के बाद ये ऑटो ऑफ हो रहा है। अगर आपको ये जो टाइमिंग है इसको ज़्यादा टाइमिंग करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये पोटेंशियल मीटर को पूरा कर देता हूँ, देखिए पावर देता हूँ, देखिए क्या होता है। देखिए पहले जितना टाइम एक्टिव था उससे ज़्यादा टाइम अभी एक्टिव रहेगा। देखा, बहुत ज़्यादा टाइम एक्टिव है। अगर आप लोग ये पोटेंशियल मीटर को
हटा के 1 MΩ का कोई पोटेंशियल मीटर लगा दोगे तो और ज़्यादा टाइम ये एक्टिव रह सकता है। और देखिए मैं क्या करता हूँ, अभी इसका वैल्यू थोड़ा रखता हूँ, बाकी पूरा घटा देता हूँ। देखिए अभी पावर देता हूँ, देखिए अभी स्विच ऑन करता हूँ, देखिए ऑन हो गया, तुरंत ऑफ हो गया, ऑन हो गया, तुरंत ऑफ, ऑन ऑफ, थोड़ा हाई कर दिया हूँ रेजिस्टेंस वैल्यू, तब भी देखिए देख पा रहे हो थोड़ा ज़्यादा टाइम चल रहा है। सो इस तरीके से आप लोग कोई भी सर्किट में ऐसे डिले सर्किट बना के आप लोगों के मर्जी के हिसाब से बना सकते हो, या प्रोजेक्ट अगर कोई बना सकते हो तो किसी प्रोजेक्ट में भी इस तरह सर्किट बना के आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। और आप लोगों के लिए एक बात मैं बताना चाहता हूँ, चैनल में बहुत जल्द एक पावर सप्लाई रिलेटेड कोर्स मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके लिए आप लोगों को 1 time 299 rupees पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाके टेलीग्राम लिंक पे जुड़ सकते हो। सो फ्रेंड आज का वीडियो यही तक, अगर वीडियो में दिया हुआ जानकारी आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, और चैनल देखने लायक लगता है तभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।